अपने हाथों को हिलाओ, माथे से लगा वो प्रभु भोज को। खुदावन से बात करो कि परमेश्वर जब मैं प्रभु भोज को ले रहा हूं, मैं ये सोच कर और समझ कर ले रहा हूं। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, अंगीकार करो अपने सब गुनाहों को, सब गलतियों को। जब मैं घोषणाएं करता जाऊंगा, अगर वो घोषणा आपकी लाइफ से मैच करती है, तो आप उस लहू को तभी ले लेंगे, अपने पड़ोसी की ओर नहीं देखेंगे। सबकी आंखें जो हैं वो बंद होनी चाहिए, और पवित्र आत्मा आपको छुएगा जब उस प्रभु भोज को आप लेंगे। खुदावंद, मैं तेरे सामने इनको लेके आता हूँ, तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा लहू जो खुदावंद तेरे पाँव की कीलों से बहा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। जितने तेरे खुदावंद जन, जितने मेरे भाई मेरी बहनें जो खुदावंद स्ट्रेट वॉक नहीं चल पा रहे हैं, सीधा नहीं चल पा रहे हैं परमेश्वर में, आज यीशु मसीह का लहू उनके बीच में और शैतान के बीच में खड़ा होता है। आज यीशु मसीह के लहू की मैं घोषणा करता हूं, इस लहू को जब वो लेंगे, वो सीधी चाल चलने पाएंगे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु भोज लेते जाएं जब आपको लगे कि ये घोषणा मेरे लिए है, यीशु मसीह नासरी के नाम में जो लहू खुदा बाप तेरे हाथों से बहा, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई मेरे बहनें जो खुदावन सही काम नहीं कर सकते हैं, सही चुनाव नहीं कर सकते हैं, उस शैतानी अटैक के कारण आज यीशु मसीह का लहू उनके बीच में है और शैतान तेरे बीच में खड़ा है। आज यीशु मसीह के नाम में ऐ गंदी आदत, ऐ गंदे कर्म, मैं तुझे कमांड करता हूं, आज से इस तू लहू को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे प्रभु भोज को ले रहे हैं, आप खुदावन के नाम में धर्मी ठहरे हैं, आप खुदावन के नाम में उन कामों को कर पाएंगे जो हेवन ने आपके लिए डिजाइन किए हैं, आप उन कामों को कर पाएंगे जो हेवन ने आपके लिए रचे हुए हैं। आज से आपकी विल, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, वो लहू जो तेरे माथे से बहा, वो भाई वो बहन जो अपनी इच्छा को समर्पित नहीं कर पाते, वो भाई वो बहन जो शैतान के उस डिप्रेशन के नीचे रहते हैं, वो भाई वो बहन जो चिंताओं के नीचे रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित नहीं कर पाते, आज मैं घोषणा करता हूं ये लहू उनके और शैतान तेरे बीच में खड़ा है। आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा स्ट्रेस, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा डिप्रेशन, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारी डेविलिश चिंता इनकी लाइफ को छोड़ के जा चुकी है जो इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, इन जीसस नेम। आज मैं घोषणा करता हूं इस प्रभु भोज को लेने के बाद आप परमेश्वर के साथ सीधा सीधा बिल्कुल सीधा आप चल पाएंगे और आपकी इच्छा को समर्पित कर पाएंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो फीलिंग जो शैतानी है और शारीरिक है, उस माथे से जो लहू निकला खुदा बाप का, यीशु मसीह का, उस फीलिंग को मैं आपकी लाइफ से खत्म करता हूं जो शैतानी और शारीरिक है, क्योंकि यीशु का लहू जो उसके माथे से निकला, हर वो फीलिंग जो परमेश्वर की ओर से पनपी नहीं है आपकी जिंदगी में, उस फीलिंग को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके खून से धोता हूं और निकालता हूं आपकी लाइफ से, इन जीसस नेम। वो फीलिंग दुश्मनी की भी हो सकती है, वो फीलिंग एक सांसारिक प्रेम की हो सकती है, वो फीलिंग एक जेलसी की हो सकती है, और वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज मैं प्रार्थना करता हूं जो लहू यीशु मसीह के माथे से निकला, जो लहू यीशु मसीह के गसमनी बाग से उसके माथे से पसीनों की बूंद के साथ मिलकर निकला, आज मैं प्रार्थना करता हूं वो सारी फीलिंग्स आपकी लाइफ से फिनिश हो चुकी है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है जो लहू परमेश्वर के गालों से निकला, जो लहू उसकी दाढ़ी से निकला, जो लहू जो इसलिए निकला कि वो लोग उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे थे, वो उसको अपमानित कर रहे थे, आज मैं घोषणा करता हूं आज उन लोगों के लिए जो अपमानित हो चुके हैं,
जिनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, शैतान ने जिनके नाम को खराब कर दिया है, आज यीशु के लहू के साथ मैं घोषणा करता हूं, आज आपके बीच में और शैतान के बीच में मैं घोषणा करता हूं, ये लहू खड़ा है, ये लहू जो उत्तम बातें कहता है, आज से मैं घोषणा करता हूं, जो इस डिक्लेरेशन के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, आपके नाम को परमेश्वर अच्छा करेगा, आपके नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपके अच्छे नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा। आज से मैं शैतान को बोलता हूं, शैतान, ए बैड रेपुटेशन, इंसल्ट, आज से यीशु के लहू के बाड़े को मैं लगाता हूं, आज से तू चाहते हुए भी एंटर ना कर पाएगा शैतान, आज से तू चाहते हुए भी एंटर ना कर पाएगा, क्योंकि आज से यीशु मसीह के बाड़े के लहू के बाड़े के ये नीचे हैं। आज से मैं घोषणा करता हूं खंबरा चर्च बिलीवर्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर, आज से खुदावंद आपकी इज्जत को 100 गुना बढ़ाने जा रहा है, आपकी फैमिली की इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है, आपकी इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है, क्योंकि जो उसका लहू उसकी गालों से निकला उसने प्रेजेंस को रिस्टोर कर दिया। जो प्रेजेंस याजक जाते थे खुदावंद की प्रेजेंस में सेवा करते थे, आज जो यूथ, आज जो बच्चे, आज जो भाई बहने बुजुर्ग खुदावंद की सेवा से दूर हो चुके हैं, पहले वो सेवा करते थे, अभी सिर्फ विश्वासी रह चुके हैं। आज मैं घोषणा करता हूं, जब इस प्रभु भोज को आप ले रहे हैं, आज मैं घोषणा करता हूं, जब इस प्रभु भोज को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन जीसस ने, आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप फिर से सेवा करने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। उस भोज को लेते जाएं, इन घोषणाओं के नीचे उस भोज को लेते जाएं, शर्माए नहीं। अगर आपका दिल स्ट्रगल कर रहा है तो शर्माए नहीं लेने के लिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रगल में है तो शर्माए नहीं, उसे ले लें, लोगों की परवाह मत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु का लहू, शैतान तेरे और इनके बीच में आज से खड़ा है, इनकी रेपुटेशन रिस्टोर हो चुकी है, इनका अच्छा नाम आ चुका है, बैड नाम खत्म हो चुका है, स्ट्रेस खत्म हो चुकी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च, मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च, आप अच्छे कर्म कर पाएंगे उस लहू से जो यीशु के हाथों से निकला, उसके साथ साथ चल पाएंगे उस लहू से जो उसके पैरों से निकला। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी होगी। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूं, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर ना कर पाएगी, और बाड़ा लगा है, तू एंटर ना कर पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए, हड्डियों के जोड़ चंगे हो जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी चंगी हो जाए। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। मैं घोषणा करता हूं उन लोगों के ऊपर जो शैतान के सताए हुए हैं, जादू टोने के सताए हुए हैं, जिन पर दुष्ट आत्मा अटैक करता है, अजीब सा अटैक, अजीब सी लड़ाई होती है फैमिली में, अजीब सा अटैक होता है उनके फाइनेंस के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाता है, अजीब सा नुकसान हो जाता है, आग लग जाती, अजीब सा कोई नुकसान, पैसे देके भाग जाता है, ये सारे शैतानी एलिमेंट्स हैं। वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों से निकला, वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों के ताज से निकला, मैं घोषणा करता हूं शैतान, वो लहू और इनके बीच में, तेरे और उस प्रॉब्लम के बीच में, मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु मसीह का लहू है उस जादू और टोने के बीच में और तेरे बीच में, आज यीशु मसीह का लहू खड़ा है। मैं शैतान को हुक्म देता हूं, आज से तू उस लहू को क्रॉस न कर पाएगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उस लहू से जो जीसस क्राइस्ट के कांटों के ताज से नीचे आया, खंबरा चर्च के हर एक बिलीवर के ऊपर, इन घोषणाओं को सुनने वाले हर एक बिलीवर के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी लाइफ के ऊपर, मैं शैतानी किंगडम के ऊपर आपकी जीत की घोषणा करता हूं। खुदा का आत्मा करे 7 बार चिल्ला के आमीन बोलो। मैं घोषणा करता हूं
यीशु मसीह नासरी के नाम की लहू शैतान और आपके बीच में खड़ा है, आज से वो क्रॉस न कर पाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं, शैतान के राज्य के ऊपर आपकी जीत को, शैतान की चालों के ऊपर आपकी जीत को, जादू टोने के ऊपर आपकी जीत को, शैतानी अटैक के ऊपर आपकी जीत को, डर की आत्मा के ऊपर आपकी जीत को, फियर स्पिरिट के ऊपर आपकी जीत को, कंफ्यूजन स्पिरिट के ऊपर आपकी जीत को, जो कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है, जादू के नीचे है, खेल के नीचे है, शैतान आज यीशु का लहू शैतान तेरे और उनके बीच में खड़ा है। वो लहू जो कांटों के ताज से निकला, यीशु मसीह नासरी के नाम में उस लहू से मैं इनकी जीत की घोषणा करता हूं शैतान तेरे किंगडम के ऊपर, जीत की घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो लहू माथे से निकला, गालों से निकला, कोड़ों से निकला, हाथों से निकला, पांव से निकला, हार्ट से निकला, जिनके दिल खुदा के साथ लग नहीं पाते, जिनके दिल के ऊपर शैतान अटैक करता है, वो लहू जो परमेश्वर के दिल से निकला खुदावंद के प्रेम को आपके ऊपर साबित करे, वो लहू आपके दिल को खुदावंद के साथ सीधा कर दे, आपकी वो इच्छा जो सेवा करने की थी, क्योंकि दाढ़ी का मतलब सेवा भी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आप लोग खुदा की सेवा करने पाओगे इस ब्लड को लेने के बाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।